इस रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें बिराजनाथ चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराजनाथ अपने चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं मुद्दे के बाद। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा नाविक जीटी और डीवी एग्जाम में मैथ से क्या क्या क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है अपने चैनल पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इधर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, उधर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे उधर तो मैंने कुछ पार्ट डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो इधर मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ SI एंड CI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मिनिमम आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है PTR/100, ये सबको मालूम होता है, ठीक है। और जो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है वो अमाउंट इजकल टू P(1+R/100)(n)n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ये जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। वही आप एक्सेप्ट कर सकते हो 2 से 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये ज़्यादातर टाइम एंड डिस्टेंस जो होते हैं वो ट्रेन से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। जैसे 40 मीटर का एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करता है, तो 200 मीटर का ब्रिज को क्रॉस करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो वही दोस्तों कितना मतलब टाइम लगेगा 200 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में, ठीक है। तो ऐसे आते हैं, उसके बाद सिंपल सा ही आ जाता है कभी कभार, जैसे होता है एक गाड़ी 50 किलोमीटर स्पीड से पर आवर स्पीड से 10 घंटा चला तो कितना कितना किलोमीटर जाएगा वो, तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हो, ठीक है। और टाइम एंड वर्क से जैसे रहता है 10 बंदे 5 दिन में एक काम करते हैं, ठीक है। तो वही 20 बंदे कितने दिन में वो एक काम करेंगे, तो ठीक है। ऐसे भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रहता है, तो वो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। टाइम एंड वर्क प्लस टाइम एंड डिस्टेंस दोनों से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रहता है जो मेंसुरेशन से, ठीक है, जो परिमिति होता है जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बोस, क्यूब, सर्कल, कोन, ठीक है। उसके बाद जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, तो उनके सारे के वॉल्यूम, स्लैंट का जो हाइट है वो कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। पेरीमीटर क्या है, जैसे सर्कल का पेरीमीटर दिया हुआ है, स्क्वायर का पेरीमीटर है तो उसका वॉल्यूम, तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं एरिया रिलेटेड। और मैं आपको बताऊंगा जो ये वाले रहते हैं जैसे ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बोस हो गया, तो वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि रोम्बोस एंड ट्रेपेजियम से ज़्यादा करो, और उसके बाद कोन से भी ज़्यादा करो, क्योंकि जो स्क्वायर वाले होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल होते सर्कल वाले होते वो आसानी से हो जाता है, लेकिन जो ट्रेपेजियम का एरिया, रोम्बोस का एरिया, कोन का एरिया हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वो देख लेना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जियोमेट्री से, जियोमेट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो सिंपली एक एग्जाम्पल मैंने इधर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये जो डिग्री दिया हुआ है कोन, ये 35 दिया है, 75 दिया है, तो ये कितना होगा देखना दोस्तों। ये अगर मान लो तो ये जो पूरा है, ठीक है, ये दिस वन 75 + दिस इजिकल टू 90 होना चाहिए। तो 90 - 75 कितना होगा आपका 15, मतलब ये साइड 15 हो गया। तो और उधर कितना होगा, उधर होगा 90 - 35 इजिकल टू लाइक 55, ठीक है। तो 55 + 15 इजिकल टू हो गया 70। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, एक्स का वैल्यू वो होगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे जियोमेट्री से क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों ये आपको बताना था, और ऐसे ही नाविक जीडी डीवी एग्जाम, कोस्ट कार्ड के एग्जाम के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।